हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं 16वीं सदी में देवगढ़ के किले में। दोस्तों, यह किला गौड़ शासकों द्वारा बनाया गया था। यह किला छिंदवाड़ा मुख्यालय से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, एक कहावत प्रचलित है, देवगढ़ खिसला नागपुर बसला। दोस्तों, चांद सुल्तान के समय विदेशी आक्रमणों के कारण राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित हो गई थी। दोस्तों, यह ऐतिहासिक एवं खूबसूरत यात्रा यूथ होस्टल सतपुड़ा यूनिट छिंदवाड़ा द्वारा कराई गई थी। अब हम चले हैं देवगढ़। आज भी पांच चले जा रहे हैं। ये देखिए संतरों के बगीचे। देखो बिल्लू गिलहरी संतरा खा रहा है। द्वारा किया गया था और ये कहना चाहिए 16वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में, तब ये राजा जाटवा शाह के द्वारा इन बावलियों का निर्माण किया था। कम से कम ये 3 वर्ष पुरानी बावली जिनको हम देख रहे थे, जो कि पूरी तरह से जमींदोज हो गई थी, इसका अता पता भी नहीं था। कुछ भग्नावशेष यहाँ दिखाई देते थे। जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के माध्यम से इसको चिन्हांकित किया गया, इसकी खोज की गई और इसका जीर्णोद्धार करते हुए इसको अपने मूल स्वरूप में लाने का एक अभिनव प्रयास किया गया। हम देख सकते हैं 35 फीट नीचे इसकी गहराई है यहाँ पर, और लगभग 40 सीढ़ियों से उतरकर नीचे पानी भरा हुआ है। और नहीं तो इसका पानी बहुत नीचे होता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। तो अभी ये यहाँ पानी का उपयोग भी आजू बाजू में खेत में तराई के रूप में किया जा रहा है, और इसको जो मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया है वो जिला प्रशासन के माध्यम से हम देख सकते हैं। इधर ये जो पुराने समय में कूलू सिस्टम चलता था, जो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से तेल, गुड़, चूना और उड़द, इन चीज़ों का मिश्रण तैयार करके इनको सड़ा के, वो बाजू में हम टांके देख रहे हैं, उसमें वहाँ पर उनको सड़ाया जाता है, और वहाँ से इकट्ठा करके वो जो कूलू वाला कॉन्सेप्ट है उसमें रख के उसका पेस्ट तैयार करके, ये जो हम देख रहे हैं पत्थरों की जुड़ाई, ये उससे हुई है। तो ये काम अपने आप में बिल्कुल सराहनीय है। तो इसका हम लोग सब यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है 16वीं शताब्दी का राजा जाटवा शाह का, कि उन्होंने यहाँ पर पूरे क्षेत्र में 800 कुएं और 900 बावली बनवाई थी, जिसमें से कुछ जो 40 से 50 के रूप में चिन्हांकित की जा चुकी है जो इस क्षेत्र में, और कम से कम 15-18 बावलियाँ हैं जिसका निर्माण कार्य जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग के माध्यम से कराया जा चुका। अभी हमने ये एक बावली देखी है, ये पटेल बावली के नाम से जानी जाती है। आगे और भी बावली देखेंगे, चोर बावली है, अलीसा बलीसा की बावली है, एक बड़ के झाड़ के नीचे एक बावली है जिसके ऊपर वर्षों हो गए हैं, तो वो बड़ का झाड़ इतना बढ़ गया है कि पूरी बावली उसके अंदर दब गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो ये देख ले रहे हैं हम। और यहाँ से हम 5 मिनट में अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो एक मंदिर है, पुरानी काली देवी का मंदिर है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होते थे उनकी शुरुआत इन स्थानों से करते थे, क्योंकि अभी तो सामान्य स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उस समय जो होता था तो वो बलि प्रथा का दौर था, और यहाँ किंवदंती है कि भैंसे की बलि दी जाती थी। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए ये देवी देवताओं के जो स्थान है वो भी चिन्हांकित उस समय किए गए थे। और यहाँ से ऊपर से ऐसा किंवदंती है कि एक जो लंबा रास्ता है, कहना चाहिए सुरंग के रूप में, वो नागपुर में मिलता है, रघुजी नगर एरिया में छोटा ताजबाग जो है उसके पास में खुलता है वो। और वो इतनी बड़ी सुरंग थी कि वहाँ पर सैनिकों की टुकड़ियाँ, घुड़सवार जो थे वो चलते थे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास में दबी पड़ी है देवगढ़ में, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे। चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों, हम जा रहे हैं देवगढ़, फिर मिलते हैं ऊपर। तो देवगढ़ की चढ़ाई चालू हो गई है। दोस्तों, हम जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं देवगढ़ की।
और ये हमारे दीना सर संतरा खा रहे हैं। तो एक एनर्जी ड्रिंक है इनकी। ये हमारे हिमांशु भैया, ये भाई साहब हमारे फिरंगी विदेश से आए हैं। देख लीजिए, विदेश से हमारे देवगढ़ घूमने आते हैं लोग। ये देखिए सबसे सामने चल रहे तिरंगा लेके हमारे माउंटेनर नीरज भाई साहब। ये देशभक्ति से सराबोर करते हुए, ये देखिए ये हमारे माउंटेनर है। ये हमें गाइड कर रहे हैं कैसे पहाड़ों की ट्रैकिंग करनी है, कहीं किसी का फेयर पिक्चर ना हो जाए। और ये देखिए बेल बॉटम में हमारे शालिनी मैडम। ये शालिनी मैडम सोलो ट्रेवलर है और ये फेसबुक में डाल के जानकारी देती रहती हैं। तो बिल्कुल इनसे कभी अगर आपको जानकारी लेनी है ले सकते हैं। ये हमारी YHI की टीम यूनिट आई है छिंदवाड़ा सतपुड़ा यूनिट। ये देखिए बच्चे भी आए हैं और हमारे साथ BRC सर हैं अरविंद भट्ट जी, जो हमें यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस की। तो दोस्तों कभी आप जब भी हिस्टोरिकल प्लेस घूमने आए तो एक गाइड जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखने से ज़्यादा मज़ा सुनने में है। तो इनकी कहानी सुनिए, मज़ा जाएगी। ये है हमारे अरविंद भट्ट जी, अब आगे चल के हमको पूरे गाथाएं सुनाएंगे देवगढ़ की, राजा जाटवा जी की। नमस्कार, कैसे मोहित भाई, मजा आ रहा है? अरे बिल्कुल मजा आ रहा है, आनंद हो रहा है, बढ़िया संडे का एंजॉयमेंट हो रहा है यूनिट के साथ। पहले व्हाट्सएप में ही देखा करते थे, आज रियल में घूम रहे हैं साथ में। बिल्कुल, ये 16वीं शताब्दी में राजा जाटवा शाह के द्वारा निर्मित छिंदवाड़ा जिले की ऐतिहासिक और पुरातत्व धरोहर, जिसको हम देवगढ़ किले के नाम से जानते हैं और जो कि हमारे छिंदवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में है। तो आज YHI यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा यूनिट के तत्वाधान में हम सब लोग सपरिवार से सहित ट्रैकिंग का लुत्फ उठाने आए हैं। और मोहित भाई तो साइकिलिस्ट है, हमारे जिले की शान है। तो आज देवगढ़ का नज़ारा भी आप लोग मोहित भाई के कैमरे से देखेंगे और जिसको हमको दिखाएंगे अपने शब्दों से हमारे अरविंद भट्ट जी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना यहाँ के संबंध में जो जानकारी है वो आप सबके साथ में शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, तो चलो अब आगे मिलते हैं। देखिए मैंने देखा है कि छिंदवाड़ा के लोग अक्सर डर जाते हैं कि देवगढ़ में पैदल चलना पड़ता है, तो मैं बता दूं देवगढ़ में पैदल नहीं एंजॉयमेंट करके चलना पड़ता है। तो एंजॉयमेंट करते हुए आपको पैदल पैदल चलना है, आप थकोगे नहीं, मगर क्या है कि आपको ऐसा सोच के अगर डर जाओगे तो कैसे चलोगे बताओ। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं, तो फिर तो आप तो आसानी से चढ़ सकते हैं। और गाड़ी क्या है नीचे खड़ी कर लीजिएगा गाड़ी, ये देखिए एक शॉर्टकट भी ले सकते हैं आप, ये शॉर्टकट भी जा सकते हो और ये सीधा सीधा जा सकते हैं। तो हम लोग चुन रहे हैं सीधा रूट। ये है शालिनी मैडम जी, जो कि जिला पंचायत में कार्यरत है और साथ में, तो जिला पंचायत में कभी जरूरत पड़े तो आप मैडम को जरूर याद कर सकते हैं। तो ये मैडम के लिए ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल। वैसे भी ट्रैकिंग की मैडम ने काफी यात्राएं कर चुकी है, कुछ मुख्य यात्राओं के बारे में बता दें मैडम। बहुत सारी यात्राएं हैं, फिलहाल याद नहीं आ रही है। अभी सितंबर में गुवाहाटी गए थे, दार्जिलिंग गए थे, बहुत सारी, फिलहाल थक गई, बोलते नहीं बन रहा। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैडम की यात्राएं आपको इनके फेसबुक वॉल पे मिल जाएंगी। मैडम ने अपनी यात्राओं का विवरण शब्दों में भी परोया है, तो आप उनके शब्द पढ़ के वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने जानकारी दी है। तो अगर आप नेचर लवर है, घूमने के शौकीन हैं, तो अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपको जानना क्यों जरूरी है। देखो अगर आप कहीं जाते हो, अगर उसकी आपकी जानकारी मिल जाएगी तो आपके सफ़र में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएगी। तो मतलब क्योंकि क्या होता है कि जो उन्होंने कठिनाई का सामना करना पड़ा वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और आप जैसे मान लीजिए एक स्पॉट में गए, आपने 4 स्पॉट घूमे, पता चला वहाँ पर 7 स्टॉप 4-5 जगह और थी, तो क्या होता है कि जानकारी ट्रैवल ब्लॉग देखने से नहीं, सबसे सारी चीज हो जाती है। सबसे पहले आप लोग गूगल में जाइए, जिस जगह जाना है उसका नाम सर्च कीजिए, आपको अपने आप ना उनसे लिखे हुए ब्लॉग संबंधित व्यक्ति द्वारा मिल जाएंगे आपको। फिर किसी भी एक ब्लॉग में जाकर के आप क्लिक कीजिए,
आपको कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कितने रुपए में कहाँ आपको व्यवस्था मिलेगी, कैसी क्या है, वो पूरे ब्लॉग में अपडेट रहती है जानकारियाँ। हाँ। तो सबसे पहले गूगल में ही जाके जगह को नाम लिखिए, सर्च कीजिए, अपने आप गूगल में जो ब्लॉगर के जो ब्लॉगर द्वारा लिखे गए ब्लॉग वो अपने आप खुलते जाएंगे। तो आप किसी का भी निकाल के पढ़ लीजिए जो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है जैसे मैं करती हूँ। बिल्कुल। तो ब्लॉग पढ़ने से आपको एक बजट के रूप में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो ब्लॉगर लिखे हुए है ना ब्लॉग, वो बजट ट्रेवलर के रूप में है। अच्छा। और बजट में कम से कम कैसे घूमा जाए। और आप अलग अलग ट्रैवल के ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, ताकि क्या होता है कि हर कोई अलग अलग मौसम में जाता है और अलग अलग मौसम में ही लोगों के फ्यूचर बदल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए न्यू ईयर में आप जाए तो वहाँ के रेट अलग हो जाते हैं। हाँ। अगर आप ऑफ सीजन में गए तो उसके रेट अलग हो जाते हैं। तो दो चार आप पढ़ लिया करो। मैक्रोनगंज गए थे फरवरी के मंथ पे, तो जो रूम का उस समय 2.5 से 3 हज़ार रुपए चार्ज होता है, ऑफ सीजन के कारण हमको 700 रुपए का मिला था वो रूम। ये देखिए है ना, बहुत अंतर आता है। बहुत अंतर हो जाता है। हम डलहौजी में यूथ हॉस्टल पे 400 रुपए में हमने दो व्यक्ति रुका था, मतलब पर पर्सन का जो चार्ज था 200 रुपए पर डे था यूथ हॉस्टल पे रुकने का डलहौजी में। तो मतलब एक व्यक्ति को 400 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ा हम दो लोग को, तो एक व्यक्ति पे जो बजट आया वो 200 रुपए पर आया। अब जैसे हमने 700 का रूम लिया, 350 रुपए पर पर्सन के हिसाब से वन डे का आया। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारी चीज़ें अगर कम बजट में भी पैसा हो, ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, कम पैसों में भी हम घूम सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। हाँ नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है कि मैंने भी बहुत सारे ट्रेवल को देखा है, तो कुछ लोगों ने तो बिना पैसे की भी यात्रा कर ली है। लेकिन वो बिना पैसे वाले यात्रा में मजा नहीं आता है। थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। टाइम खराब होता है। लोगों से भीख टाइप का लगता है, हम भीख मांग रहे हैं यार, वो मजा नहीं आता है। अपने पैसों में जितना है उतने में घूमिए आराम से, वो ज्यादा बेस्ट है। आप अगर ट्रेवल, इसलिए ट्रेवल ब्लॉग को जरूर पढ़िए, ताकि आप अपना बढ़िया से बजट में एक अच्छा एंजॉयमेंट कर सके। ओके बिल्कुल, फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखो बाइक यहाँ तक आ सकती है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है पैदल चलने में, तो वो इस रास्ते तक यहाँ तक बाइक से आ सकते हैं। तो बाइक ला लिए, फिर यहाँ से मात तो जैसा हमको बता रहे हैं मनो नीरज भाई, 100-200 मीटर का ही रास्ता है। ये पहुँच चुके हैं, ये हमारे सर यूनिट। तो ये शॉर्टकट रूट आ गए थे, हम लॉन्ग कट आए हैं, पर यहाँ पर आके सब विश्राम कर रहे हैं। देखिए सांस भर गई है। तो कैसा लगा मैडम आपको चढ़ने में? बहुत मज़ा आया। सजा तो नहीं लगी? नहीं, मजा ही मजा है। मजा है तो बिल्कुल, अब किले पे मिलते हैं। और सर कैसे? मंगल तो ये है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, संतरे खाते हुए ताजे ताजे। देखिए संतरे यहाँ पर नीचे हमें ताजे ताजे संतरे मिले। बढ़िया, संतरे के बगान आपने देखा ही है नीचे। संतरे बगान के साथ संतरे भी खाए हमने, संतरे भी खाए हैं। ये हमारे हिमांशु भैया पूरे यूनिट को संभालते हुए, अब सीढ़ियाँ आ गई हैं। ये हमारे कमिश्नर सर, ये हमारे बर्ड वॉचर भी हैं। अगर प्रकृति के बारे में जानना है तो सर से संपर्क कर सकते हैं। सर आप ब्लॉग लिखते हैं क्या सर? फेसबुक, यूट्यूब? सर लिखा करें सर, वो पढ़ने वाले बहुत हैं। कार भी लेके आ गए हैं, तो कार भी लाई जा सकती है, मगर आप अपने रिक्शे पे लेके आइएगा, क्योंकि थोड़ा कच्चा रास्ता यहीं तक आ पाएंगे। आज संडे के दिन काफ़ी पर्यटक आए हैं यहाँ घूमने। संडे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, छिंदवाड़ा के सबसे पास में है, और किसी भी मौसम में आ सकते हैं आप यहाँ पे घूमने। तो दोस्तों ये पहुँच गए अपन, देखो देवगढ़ किले की, देखिए आप बाउंड्री वॉल देख सकते हैं। ये है देवगढ़ किला। दोस्तों सोचो बड़े उस जमाने में कैसे बनाया गया होगा ये।